एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप समझ ही रहे होंगे कि आज का वीडियो क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड दिस वीडियो इज अ लिटिल डेयरिंग एज वेल। सो दिस टाइम बिकॉज एज यू नो दैट करवा चौथ इज अराउंड द कॉर्नर, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा अपने बालों को कुछ मेकओवर देती हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने बालों में कुछ कलर करूँ, मतलब ये ब्लैक से हट करके थोड़ा कुछ कलर दिखे। और हेयर कलर बनाने का मेरे पास पार्लर में जाने तक का इतना पेशेंस है नहीं, तो मैं घर पर ही अपने कम्फर्ट में हेयर कलर करना चाहती हूँ और अपने अकॉर्डिंग हेयर कलर करना चाहती हूँ। तो दिस टाइम मैं थोड़ा चाह रही हूँ कुछ यू नो प्लम और रेड काइंड ऑफ ए शेड ट्राई करना चाह रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्किन टोन पे ये थोड़ा ठीक लगेगा। सो मैं जो हेयर कलर यूज करने वाली हूँ वो है ये न्यू गार्नियर कलर नेचुरल्स का अल्ट्रा कलर, जो कि आपके बालों को काफी वाइब्रेंट विजिबल कलर ट्रांसफॉर्मेशन देता है, सो इवन ऑन डार्क हेयर। तो लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं कि कैसा कलर देगा ये मेरे बालों में। ये जो गार्नियर कलर नेचुरल्स अल्ट्रा कलर है, ये मैंने क्यों चूज किया है, सबसे पहली चीज ये एक तो आपको बहुत ही ज्यादा इंटेंस कलर देता है ब्लैक हेयर पे भी, जिसमें मुझे यूजुअली क्या होता है पार्लर्स में जब आप कलर कराने के लिए जाते हो तो वो आपके बालों को पहले ब्लीच करता है, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। जितना डैमेज आपके बालों को कलर नहीं करता उससे ज्यादा डैमेज आपके बालों को वो जो ब्लीचिंग वाली प्रोसेस होती है ना वो करता है। तो इसमें मुझे ब्लीच नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली कलर अप्लाई कर सकती हूँ, जो कि मेरे बालों को काफी इंटेंस कलर देगा। और ये एक कलर तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ ही साथ आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसका जो कलर है वो स्टे करता है अप टू 10 वीक्स तक। वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल होता है करवा चौथ। दूसरी चीज, इस फेस्टिवल के को रखने में एक अलग ही मजा आता है। एंड आई वांट टू लुक माय बेस्ट, दैट्स व्हाई आई वांटेड अ गुड हेयर कलर, और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। नाउ मेरी तरह अगर आप लोग भी सेम इशू फेस करते हैं सिलेक्टिंग अ गुड कलर या करेक्ट शेड कलर, नाउ गार्नियर कलर नेचुरल्स हैज फाउंड द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर यू ऑल, दैट इज वर्चुअल ट्राई ऑन टूल, लिटरली द सिंपलेस्ट वे टू पिक योर कलर। इसमें आप सेल्फी कैमरा की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ट्राई कर सकते हैं अपने बालों के ऊपर। नाउ लेट मी शो यू कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम ये वीडियो जो टूल है वो ओपन करेंगे। इसमें या तो आप अपनी खुद की सेल्फी डाल सकते हैं या फिर आप लाइव अपना सेल्फी कैमरा ओपन करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि हमारे बालों के ऊपर, मतलब आपके बालों के ऊपर कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, एंड जस्ट जो कलर आपको बेस्ट लगे वो कलर आप। आई पिक द कलर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, ये प्लम रेड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कलर और मुझे काफी सही भी लगा। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगी कि आप पहले अपना वीडियो टूल ट्राई जरूर करिएगा, काफी इजी हो जाएगा इससे आपके लिए भी और आपको बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। इट्स सुपर क्विक एंड आपको एकदम एग्जैक्ट कलर पे ऑफ का आइडिया देता है। क्यों मैंने गार्नियर कलर नेचुरल्स को ऑप्ट किया है, घर पे कलर करने का जो पूरा प्रोसेस होता है ना वो काफी फन एंड कन्वीनियंट हो जाता है, टिपिकल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। बट यू नो व्हाट्स बेटर, दिस नो अमोनिया क्रीम फॉर्मूला कम्स विद अ सुपीरियर लॉक टेक्नोलॉजी विच गिव्स यू एन इंटेंस कलर विच लास्ट अप टू 10 वीक्स। सो बेसिकली इन शॉर्ट बोलूं तो बालों को एकदम नरिश्ड, सिल्की एंड स्मूथ बना भी देता है। इनके पास काफी सारे शेड्स हैं जो कि इंडियन स्किन टोन पर काफी सूट होते हैं। तो आप जब भी अपने बालों में कलर करें उससे पहले, उससे 24 घंटे पहले हमेशा स्किन एलर्जी टेस्ट जरूर कर लें, विच आई फील इज अ रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू। इनके इवन जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ना वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है। तो मैं यहाँ पर ये जो कलर है आप 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइक आप ग्लोबल तरीके से यूज कर सकते हैं, आप ग्लोबली यूज कर सकते हैं, पूरे बालों में आप सेम ही कलर से, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप पूरे बालों में इसी तरीके के कलर से कलर कर सकते हैं। और चाहें तो आप कुछ अपनी क्रिएटिव वो भी शो कर सकते हैं, लाइक आपको कुछ स्ट्रीक्स करनी है, आपको कोई मतलब हाफ कलर करना है, जैसा भी करना है। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ग्लोबल कलर नहीं करना चाहती हूँ, आई रियली वॉन्टेड टू कलर माई हेयर लाइक स्ट्रीक्स पैटर्न में। तो अब हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस पे। उसके बाद आप जब भी कलर करें अपने बालों में हमेशा मेक श्योर करें कि आपकी जो ज्वेलरी है, जो भी आपने वॉच, रिंग, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स पहन करके रखे, नेक चेन्स पहन के रखी, वो सब मेटल की चीजें आपको रिमूव कर देनी है। हाथों में ग्लव्स पहनना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना ग्लव्स पहने इस कलर को अप्लाई ना करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से। सबसे पहले इस पैकेज को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसमें एक आता है डेवलपर और एक आता है कलरेंट, और साथ ही साथ एक छोटा सा पाउच रहेगा जिसके अंदर एक मैनुअल रहेगी और साथ ही साथ कंडीशनर का एक पाउच रहेगा और ग्लव्स रहेंगे। तो आपको नॉन मेटेलिक बाउल लेना है, तो मैंने यहाँ पर ग्लास का बाउल लिया है और साथ में ब्रश ले लिया है। तो कलरेंट और डेवलपर को मैं 1:1 के रेशो में मिक्स करूंगी अच्छे से ब्रश की हेल्प से, और जब ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा तब मैं इसको अपने बालों में
लगाना स्टार्ट करूंगी। तो अगर आप ग्लोबल तरीके से हेयर कलर कर रहे हैं तो आप रूट से स्टार्ट करके टूवर्ड्स टिप आपको जाना है। यहाँ पर मैंने अपने बालों को सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है और टाल जरूर आपको अपने शोल्डर पर लगाना है। अगर आप नेचुरल कलर चाहते हैं अपने बालों में तो आपको 30 मिनट्स तक के लिए इस कलर को अपने बालों में छोड़ देना है, एंड अगर आप इंटेंस कलर चाहते हैं तो आप 45 मिनट्स तक के लिए इसको रख दीजिए। एंड आपको फिर वाटर से रिंस करना होता है एंड उसके बाद कंडीशनर लगाना होता है। क्योंकि यहाँ पर मैं हाईलाइट्स कर रही हूँ अपने बालों में, इसलिए मैं यहाँ पर फॉइल को रैप कर रही हूँ ताकि जो कलर है वो दूसरे किसी स्ट्रैंड पे ना लग जाए मुझे, क्योंकि स्ट्रीक्स पैटर्न में कलर करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ पानी से ही वॉश करना है और फिर कंडीशनर लगाना है। और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है एंड लुक एट दैट, दे आर लुकिंग सुपर फैब। सो लुक एट दैट, ये बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना इंटेंस कलर आएगा, वो भी एकदम जेड ब्लैक हेयर पे। एंड बहुत ही एकदम पे ऑफ मिला है मुझे, जिस तरीके का मुझे कलर चाहिए था। आई रियली रियली लाइक इट, मेरे हेयर काफ़ी शाइनी बाउंसी एंड बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या था कि इतना अच्छा रेड कलर आएगा, मुझे लगा था थोड़ा जो डल ब्राउनिश रेड होता है ना, मुझे लगा था वैसा कलर आएगा, बट ये एग्जैक्टली रेड कलर आया है। और मुझे बिल्कुल ऐसे ही सटल सा कलर चाहिए था कि ब्लैक और रेड, ब्लैक एंड रेड, रेड हाईलाइट हो हल्का हल्का सा, और एट द सेम टाइम वो बहुत चंकी भी नहीं लगे एंड एट द सेम टाइम वो सटल एंड क्लासी भी लगे। सो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आया है। चाहे तो ग्लोबल हेयर कलर भी कर सकते हैं, दे विल ऑल्सो गोइंग टू लुक स्टनिंग। तो ये जो गार्नियर कलर नेचुरल्स अल्ट्रा कलर है, ये बेसिकली क्लेम करते हैं अंदर नो अमोनिया है, नरिशिंग परमानेंट कलर है जो कि लास्ट करता है अप टू 10 वीक्स तक। तो ये जो पैकेज है जो मेरे पूरे बालों को कवर कर गया है, मेरे जितने बालों का, इसका प्राइस है ₹199 only। तो दिस इज वेरी वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, द अमाउंट ऑफ कलर इट हैज गिवन टू माय हेयर। सो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय हेयर कलर। आई रियली लव द कलर जो भी मेरे बालों में आया है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डू चेक दैट आउट। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।